हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं साइड ग्लास के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं साइड ग्लास है, साइड ग्लास का काम क्या रहता है, क्यों यूज किया जाता है, ये आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। पैकेज एसी हो गया, डक्टेबल एसी हो गया, या चिलर हो गया, सेंट्रल एसी वगैरह में सब ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल छोटे एसी में नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े जो भी सिस्टम आते हैं उस सब में ये देखने को आपको मिल जाएगा मिलेगा। तो इसका काम क्या रहता है, कई बार हमें जो साइड ग्लास में देखते हैं बबल आता है, या फिर फोम बनता है, या फिर जो गैस रहता है उसमें कुछ दिखता नहीं है, गैस फुल रहता है, यानी कि ये सब रीजन, ये सब प्रॉब्लम है। इसमें जी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैस को साइड ग्लास से देख करके हमारा सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो में यही सब के बारे में जानने वाले, डिटेल्स के बारे में, अगर साइड ग्लास है तो क्या क्या फायदा है, क्या कैसे चेक करेंगे, क्या पहचान है, आइडेंटिफाई करेंगे हमारा सिस्टम ब्लॉकेज है, खराब है, क्या चीज़ है, गैस का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको इसके बारे में मालूम है, साइड ग्लास के बारे में पूरा डिटेल्स में मालूम है, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप ये वीडियो नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करिए, और लोग भी सीख सके, देख सके, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्निशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो अब देख सकते हैं साइड ग्लास जो है हमारा लगता है लिक्विड लाइन में लगता है। कोई भी ऐसी सिस्टम है तो ज़्यादातर हमारा साइड ग्लास जो है लिक्विड लाइन में लगता है, क्योंकि लिक्विड आएगा तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा गैस कूलिंग कॉइल में जो आता है लिक्विड, प्योर लिक्विड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर प्योर लिक्विड नहीं जाएगा कूलिंग कॉइल में तो कंडीशन में हमारा कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा। तो हम यहाँ साइड ग्लास रहता है, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हमारा गैस जो है ख़राब है या सही है, गैस है कि नहीं है, लो है। ये जो साइड ग्लास रहता है ये हमारा दो टाइप के आते हैं, एक तो आपका सोल्डिंग टाइप आता है या ब्रिजिंग टाइप आता है, डायरेक्ट हम पाइप में जो रहता है ब्रिजिंग कर देते हैं, नहीं तो दूसरा आता है फ्लेयर टाइप। जो फ्लेयर ना टाइप आता है उसको फ्लेयर से हम पाइप दोनों साइड फ्लेयर रहता है वो हम फ्लेयर को टाइट कर देंगे, जिससे आसानी रहता है हमें बार में खोलने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन इसमें क्या रहता है, कई बार लीक हो सकता रहेगा तो हमें इसे केयरफुल करना चाहिए, जो फ्लेयर ना टाइट करना चाहिए। सोल्डिंग भी रहता है तो परफेक्ट रहता है, लेकिन वो जो है बार बार उसको खोल ईजिली नहीं सकते हैं। तो ये जो है डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है इसका, यानी कि इसको सही गलत दोनों है इसमें। ओके, तो साइड ग्लास है। साइड ग्लास में अगर गैस जो है इसमें लिक्विड बन के आ रहा है, प्योर लिक्विड आ रहा है, तो उसमें देख सकते हैं इसका मतलब हमारे सिस्टम में जो भी गैस हमारा सही है, कूलिंग वगैरह प्रॉपर होगा। अगर प्योर लिक्विड है इसमें जो गैस, इसमें साइड ग्लास में आप देखेंगे इस तरह से अगर फूल आपको दिखाई देगा, साइड ग्लास जो इसमें फूल रहेगा, गैस दिखाई दे रहा है, इसमें दो रीजन हो सकते रहेंगे। या तो गैस जो है हाई प्रेशर ज़्यादा है, गैस में जो सिस्टम में जो गैस ज़्यादा रहेगा तभी भी जो साइड ग्लास रहता है फूल रहेगा, तब इसे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें गैस ज़्यादा है, या फिर नॉर्मल भी हो सकता रहेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तभी भी इस तरह से थोड़ा सा आपको बबल आएगा, मालूम चलेगा हल्का फुल्का कम रहेगा लिक्विड, मालूम चलेगा बहाव हो रहा है, इसका मतलब सही रहेगा। या तो फिर उसमें गैस थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है कभी, तो कंडीशन में आप बाहर से पहचान सकते हैं जिसमें सिस्टम में गैस नहीं है। ये तीन आइटम आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी गैस ज़्यादा रहेगा तभी इसमें जो है बबल वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा, गैस पूरा फुल रहेगा साइड ग्लास में कुछ नहीं दिखेगा, या तो फिर गैस नहीं हो सकता रहेगा तभी भी प्रॉब्लम रहेगा, उसमें गैस नहीं है तभी उसमें कुछ नहीं दिखेगा, या नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें हल्का हल्का आपको देखने को बहाव जो है पानी जैसा लिक्विड जैसा बहाव आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ मेन हो गया है इसके हमारा प्रॉपर वर्क करने का। उसके बाद आता है कई बार जो एक्सपेंसर जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास में आपको देखने को मिल जाता है इसमें फोमिंग आ रहा है, फोम आ रहा है, यानी कि बबल टाइप आ रहा है, इसमें जो बबल से बुलबुला उठ रहा है, बुलबुला जैसा उसमें जा रहा है, यानी कि अगर बुलबुला उठ रहा है सिस्टम में तो इसका मतलब गैस लो है या कहीं ना कहीं लीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर लीकेज रहेगा, या फिर सिस्टम में अगर सक्शन लाइन में कहीं लीक रहेगा, या फिर गैस लो रहेगा, तो कंडीशन में क्या होता है, इस तरह से बबल उठेगा, बुलबुला उठेगा, आपको ग्लास में देखने को मिल जाएगा। अगर कोई सा भी सिस्टम है उसमें ग्लास में अगर बबल उठ रहा है, बुलबुला आ रहा है, तो इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसमें गैस की कमी है या कहीं ना कहीं लीक है। तो ये भी आसानी है आपको फाइंड करने में रहता है, यहाँ से आप डायरेक्ट आप आसानी कर सकते हैं बिना गेज लगाए हुए।
उसके बाद आता है, कई बार आता है उसमें फोम टाइप होता है, स्पंज टाइप फोम टाइप होता है। अगर फोम टाइप हो रहा है तभी भी हमारा इस जो है इसमें कंडेंसेशन जो हो रहा है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर इसके अंदर जो कई बार होता है फोम टाइप आ रहा है, या फिर जो गैस आप देखेंगे गैस अगर उसमें जो है काला येलो कलर का हो जा रहा है, या मॉइस्चर वगैरह आ जाएगा, अगर बबल उठ रहा है फोम टाइप हो रहा है तो उसमें मॉइस्चर वगैरह रहेगा, लेकिन इसमें जो है काला टाइप हो रहा है या येलो टाइप गैस बहाव हो रहा है, आपको शायद गैस में देखेंगे गंदा हुआ है, तो उसका मतलब हमारा कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम अगर खराब रहेगा, मैकेनिकल सिस्टम अगर खराब रहेगा तो कंडीशन में भी हमारा गैस आगे जाएगा, लेकिन आपको क्लियर जो है वाटर जो क्लियर जो है लिक्विड में नहीं दिखेगा, आपको उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा मैकेनिकल सिस्टम है या इसमें सिस्टम में हमारा ऑयल चढ़ गया है या जो भी है इसमें खराब हो चुका है गैस, अब खराब हो सका खराब हो चुका है। अगर ऑयल जो है येलो कलर हो गया या ब्लैक डस्टी कलर हो गया तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा इसमें प्रॉब्लम है, फोम वगैरह आ रहा है। तो इस तरह से आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर साइड ग्लास से ही देख करके हमारा सिस्टम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसका कूलिंग होगा कि नहीं होगा, इसमें ऐसा प्रॉब्लम है तो आप देख सकते रहेंगे। इसमें अगर साइड ग्लास में है अगर पूरा क्लियर फुल दिख रहा है तो कुछ क्या क्या चीज़ रहेगा, अगर आपको इसका थोड़ा हल्का फोम टाइप हो रहा है तो क्या रहेगा, अगर ऑयल आ जाएगा तो इस तरह देख सकते रहेंगे ऑयल अगर सिस्टम में आ जा रहा है तभी भी आपको साइड ग्लास रहता है वो ब्लर हो जाएगा, इस तरह से धुंधला दिखेगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो भी समझ सकते हैं जिसके अंदर जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम खराब हो गया है या फिर ऑयल आ गया है। तो बेसिकली जो है ये चीज़ें फायदे है, सब चीज़ें हैं। अगर आप साइड ग्लास लगा रहे हैं, आप एक्सपीरियंस है तो आप बिना गेज लगाए सिस्टम को वहीं से आप पकड़ सकते हैं साइड ग्लास से देख करके हमारा गैस में या इसमें गैस कम है या गैस ज़्यादा है या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो जो हमने कुछ रीजन्स बताए हैं जैसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना गेज लगाए बिना कुछ यूज किए देखिए जब देख करके पहचान सकते हैं हमारा सिस्टम सही कूलिंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये फायदे हैं साइड ग्लास लगाने के। अगर आपको कुछ समझ में आया सीखने को मिला है अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे चैनल को देखने के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आता है उसको ऑन कर दें जिससे और भी इस तरह लेटेस्ट वीडियो हम बनाएं आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके देख सके। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।